आज रीजनिंग का हम रैंकिंग टेस्ट करते हैं। रैंकिंग टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई बच्चों की संख्या दी होगी, इतने बच्चे हैं, जैसे एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, कोई एक स्टूडेंट आपका ए, उसका एक साइड से आपका 20 नंबर का रैंक है, तो अदर साइड से रैंक कौन सा होगा। क्लास में रहता ही है, क्लास में 50 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग, किसी की 15th रैंक है, किसी की 20th रैंक है, तो पूछते रहते हैं भाई इधर से अगर आपका 20 नंबर है तो उधर से कौन सा होगा। तो इन क्वेश्चनों में दो फैक्ट है आपके, एक फैक्ट तो यही है जैसे इस क्वेश्चन का है, अगर मान लीजिए टोटल बच्चे आपके 5 हैं और एक बच्चे का इस साइड से थर्ड रैंक है, तो अदर साइड से कौन सा रैंक होगा, थर्ड ही होगा। इसे कॉन्सेप्ट सेट करना अभी तो बहुत ईजी लग रहा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना मिक्स करके तो फिर भूल जाओगे। आपको एक माइंड क्या सेट रखना है कि 5 - 3 2, ये 2 है आपका, वो इधर के बचे हुए स्टूडेंट है, लेकिन उनको काउंट करके जब इस पे आएंगे तो उसका भी नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। दूसरा फैक्ट ये है कि एक बच्चा ए है, उसका इस तरफ से 6th रैंक है, दूसरी साइड से भी 6th रैंक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, यदि दोनों तरफ से उसका रैंक 6th है, उधर से भी 6 इधर से भी 6, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 11, 12 नहीं करने से, क्योंकि 12 में क्या आ रहा है आपका, वो बच्चा डबल काउंट हो रहा है, इधर से हमने कैलकुलेट किया तब भी वो काउंट हुआ, इधर से कैलकुलेट किया तब भी काउंट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिडल में है, 5 बच्चे इधर है, 5 बच्चे इधर है, उन 5 को कैलकुलेट करके इस पे आएंगे तब भी 6th रैंक है, इन 5 को कैलकुलेट करके इस पे आएंगे तब भी 6th रैंक है, लेकिन टोटल बच्चे जब गिने जाएंगे तो 5 + 5 10 और +1 11 स्टूडेंट्स, बस यही दो है फैक्ट और कुछ नहीं है। इन्हीं का मैं बार बार मैनिपुलेशन करूंगा अजीब अजीब क्वेश्चनों में, लेकिन अगर ये बेसिक स्पष्ट है आपको तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ये दोनों दो पार्ट, अगर आपका टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं उनमें से पूछ सकते हैं या एक ही स्टूडेंट का रैंक दे सकते हैं। नंबर 2 तो आपके रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये 5 था आपका, 5 में से मैंने कहा था इधर से एक बच्चे का तीसरा नंबर है, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ 5 है तो 5 में से 3 गए 2, तो इसका अदर साइड से कितना रैंक होगा, सेकेंड होगा, तो सेकेंड रैंक नहीं हुआ। 5 - 3 जब 2 आप लिखते हो तो 2 क्या डिनोट कर रहा है आपको, कि इसको हटा के इधर 2 बच्चे और हैं, लेकिन जब इसका रैंक पूछेंगे तो 2 के साथ में इसको भी तो इंक्लूड करेंगे, तो थर्ड ही रैंक होगा उसका। बस ये अंडरस्टैंडिंग रखनी, रटना नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जब 5 - 3 2 हम कह रहे हैं, 2 इसका रैंक नहीं है, 2 रिमेनिंग स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, उस रिमेनिंग से जब इधर आएंगे हम काउंट करके तो एक और बढ़ जाएगा आपका, तो थर्ड रैंक आएगा।